हाय फ्रेंड्स, लक्की हियर। वेलकम टू माय चैनल लक्की कुक। तो आज हम लोग बना रहे हैं मैगी नूडल। तो चलिए देखते हैं, एकदम आसान सा रेसिपी है मैगी नूडल्स। बहुत ही टेस्टी बनता है और यम्मी बनता है। 10 मिनट के अंदर मैगी नूडल बन के रेडी हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैगी नूडल का रेसिपी। दोस्तों, इसके लिए मैं पैन लिया हूँ। पैन को गरम करके डालते हैं ऑयल। देखिए दोस्तों, ऑयल डालना है, ऑयल को सही से गरम करना है। देखिए दोस्तों, जब ऑयल गरम हो जाए तब ऐड करते हैं ओनियन चॉप। ओनियन चॉप डाल के हम इसको अच्छे से भुनना है। ओनियन चॉप को हल्का सा ब्राउन होने देना है। ओनियन चॉप दोस्तों, ओनियन का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ओनियन का कलर हल्का सा चेंज होने देना है। जब ओनियन का कलर चेंज हो जाए तब ऐड करते हैं ग्रीन कैप्सिकम। इसको अच्छे से भून लेना है ऑयल में। ग्रीन कैप्सिकम को भुनने के बाद अब ऐड करते हैं कैरेट चॉप। कैरेट चॉप को अच्छे से भून लेना है ऑयल में। आप लोग चाहे तो इसमें ग्रीन पीस भी ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिलाते हैं। ये देखिए, जब सारा सब्जी को मिलाने के बाद अब ऐड करते हैं ग्रीन चिल्ली। दोस्तों, अभी सब्जी को पकाने के लिए हम लोग लीड ढक देते हैं। इसको कम से कम 5 मिनट के बाद निकालते हैं लीड को। देखिए दोस्तों, अपना सब्जी जो है सही से पक चुका है। एकदम आसान सा रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा घर पे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों, मैगी जो है इंस्टेंट रेसिपी है। 10 मिनट के अंदर ही अंदर मैगी बन जाता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना घर पे। तो हम लोग मसाला ऐड करते हैं। इसके लिए मैं लिया हूँ सॉल्ट, टेस्ट वाइज सॉल्ट लेना, और हाफ स्पून हल्दी पाउडर, हाफ स्पून जीरा पाउडर, हाफ स्पून गरम मसाला, हाफ स्पून धनिया पाउडर और हाफ स्पून रेड चिली पाउडर। सारे मसालों को हम भून लेते हैं। अब ये मसाला को भूनने के बाद अब ऐड करते हैं पानी। थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि मसाला जले ना। पानी डाल के पानी में अच्छा सा उबाल आने देते हैं। इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर ताकि पानी में उबाल आ जाए। ये देखिए दोस्तों, पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है। अब हम ऐड करेंगे मैगी का क्यूब्स। इस तरह से आपको ऐड कर देना है। आप लोग चाहे तो पहले पानी उबाल के मैगी को बॉईल कर सकते हो, या आप लोग ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग चाहे तो कोई भी तरीका से बना सकते हो। इस तरह से आप लोग को